मिचेल स्टार्क की उपस्थिति दैट मेक्स अ स्टार्क डिफरेंस इन द ऑस्ट्रेलियन बोलिंग लाइनअप। आज जरा इनकी थोड़ी सी खासियत की बात करते हैं। ये क्या गेंदबाज है ना, टॉप क्वालिटी बॉलर है, बहुत तेज करता है ये। ऐसे जैसे गेंद आई है ना, ऐसे उनकी गेंदें जब आती हैं एक के बाद एक, आपकी समझ में नहीं आता आप क्या करेंगे। जो उनका सबसे बड़ा प्रहार है वो ये है, तेजी से गेंद अंदर की तरफ आती है, लेग बिफोर बोल्ड बहुत बार वो करते हैं। तो फिर बतौर बल्लेबाज आप थोड़ा सा अपने स्टांस को खोल लीजिए और आप ये पाएंगे कि सारे इंडियन बैट्समैन ना हल्का सा स्टांस को खोल के खड़े हैं। अमूमन आप इस तरह से खड़े होते हैं, दोनों पैर ऑलमोस्ट एक लाइन में होते हैं, दोनों शोल्डर्स भी आप देख नहीं पाते, पीछे का शोल्डर आप नहीं देख पाते हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क के सामने थोड़ा सा आगे वाले पैर को पीछे धकेलिए, थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को आप खोल लीजिए, क्योंकि आप दोनों आंखों से देखना चाहते हैं जहां से गेंद हो रही है। अगर ये आप देखेंगे तो यू विन द फर्स्ट बैटल। और इससे फायदा एक और होता है कि अगर पैर यहां पे है ना, तो फिर जो फ्रंट फुट है वो अक्रॉस नहीं जाता, फ्रंट फुट थोड़ा सा सीधा जाता है। और सीधा जाना जरूरी है, डोंट कमिट, डोंट ओवर कमिट, डोंट गो टू अक्रॉस, क्योंकि अंदर आने वाली जो तेज गति से गेंद है ना 150 किलोमीटर, वो फिर पैड पे लग जाती है। अगर आप थोड़ा सा खोल के स्टांस में खड़े हुए, थोड़ा सा सीधा पाँव निकाला, तो बल्ले पे जाके गेंद लगेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। तो फिर एक इस परेशानी को संभाल लीजिए, फिर थोड़ा बाउंसर संभालनी पड़ेगी। भैया बहुत तेज डालते हैं, बहुत अच्छी बाउंसर भी मारते हैं, पिचेस भी अच्छी हैं, तो मैं तो कहूँगा कि डोंट टेक हिम ऑन, उनको छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि नेचुरल एंगल इज टेकिंग द बॉल अवे। अगर आप बार बार पुल मारने जाएंगे ना, तो फिर अगर आप शरीर के अंदर पुल को नहीं रखते, हुक को नहीं रखते, तो फिर बाहर से जब घसीटेंगे तो गेंद हमेशा हवा में जाएगी और नियंत्रण नहीं रहेगा। तो चाहे आप छोड़ जैसे इस तरह से छोड़ सकते हैं, आप डक कर सकते हैं, ज़्यादा है तो थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए, शरीर पे भी खा लो, चलता है यार। लेकिन उनको हुक पुल का ट्राई थोड़ा सा कम, डोंट टेक हिम ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉल पुराना होगा, वो राउंड द स्टंप जाएंगे, तेज गति से अंदर डालेंगे गेंद, डोंट प्ले द एंगल। लगेगा कि गेंद अंदर आ रही है, लेकिन अगर रिवर्स स्विंग होगी ना, तो बिल्कुल पढ़ने से पहले बाहर निकल जाएगी। तो फिर डोंट प्ले दी एंगल कि वहाँ से आई तो चलो मैं मिड ऑन पे खेलता हूँ, मिड विकेट पे खेलता हूँ, बॉल सामने से घूमेगी और जाके डंडे पे लगेगी या लगेगी भारी किनारे पे। तो इससे थोड़ा सा और बच के चलना होगा, क्योंकि अगर भारत को अच्छा करना है ना, तो भाई लोगों मिचेल स्टार्क को ना थोड़ा सा उनका रंग को फीका करना पड़ेगा।